तो यूजुअली कस्टमर्स का बजट भी होता है, मगर बहुत बार उनके माइंड में आता है कि क्या मैं एक छोटी जगह में, या एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या मैं एक छोटी जगह में बड़ी टीवी लगा सकता हूँ। उनको शौक भी होता है बट वो लगाते नहीं है। तो आज मैं एक मिथ क्लियर करता हूँ। अब मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि क्यों आप एक छोटी जगह में एक बड़ी टीवी लगा सकते हो और पहले क्यों नहीं लगा सकते। तो पहले क्या होता था, जो कैमरा में शूट होते थे ना, उसकी इतनी क्लैरिटी नहीं होती थी। हार्डली जो पहले LCD आते थे या आजमा आते थे, क्योंकि वो पहले बिकते थे, और इनफैक्ट जो पुरानी टीवीज भी आती थी उसमें पिक्सल्स इतने डेंस नहीं होते थे, उसकी इतनी क्लैरिटी नहीं होती थी, प्लस उसके जो इंजन है वो इतने ऑप्टिमाइज नहीं थे। मगर आज की जो टीवी आ रही है उसमें पिक्सल्स डेंस हो गए हैं, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी एनहांस हो गई है, ऑप्टिमाइजेशन आ गए हैं, इंजन के जो मदरबोर्ड्स आ गए हैं, जो भी उसके इंजन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए हैं, वो इतने एडवांस हो गए हैं कि वो कहीं ना कहीं AI के थ्रू भी पिक्चर्स की इमेज को रीजनरेट करते हैं। पहला। दूसरी चीज क्या होती है, अभी जितने भी कैमरास यूज हो रहे हैं वो भी काफी मॉडर्न यूज हो रहे हैं, धीरे धीरे और इंप्रूव होंगे। 100% तो मैं नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छे कैमरास यूज हो रहे हैं, अनलेस अंटिल आप नेटफ्लिक्स नहीं देखते हो या अमेज़न प्राइम नहीं देखते हो, जो एक हायर क्वालिटी के कॉन्टेंट फिर भी बनाते हैं। मगर हाँ, कहीं ना कहीं अब कॉन्टेंट भी बहुत इंप्रूव हो गया, कॉन्टेंट का जो शूट का पैटर्न है वो इंप्रूव हो गया, कहीं ना कहीं पिक्चर की जो आपकी जो टीवी है उसके इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसकी पिक्सल डेंसिटी भी काफी इंप्रूव हो गई है। तो ये एक दो ऐसे फैक्टर, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आज आप एक छोटी जगह में भी एक बड़ी टीवी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, बहुत लोगों के मन में होगा यार एक 65 इंची लेना है तो कितनी स्पेस होगी, या एक 55 इंची या 50 इंची लेना है तो कितनी स्पेस चाहिए होगी। 3 या 4 फीट से ही के डिस्टेंस से भी आप एक 65 इंची देख सकते हो। इट इज जस्ट दैट आपके आईज को प्लेजेंट लगना चाहिए, आपके आईज में चुभना नहीं चाहिए। यूजुअली आज की जितनी टीवियां आती है वो चुभती नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ ना, पहले और अभी में बहुत सारी चेंजेस आ गए। अब आज अगर आप एक छोटे रूम में भी हो तो आप बड़ी से बड़ी टीवी लगा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आप आंख बंद करके लो। और दूसरी चीज ये है कि एक चीज ध्यान रखो, टीवी आप एक बार खरीदते हो, आप बार बार नहीं खरीदते हो। तो कोशिश करो कि अगर आपकी स्पेस अलाउ करती है, आपका बजट अलाउ करता है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द फीचर आप जाओ बड़ी से बड़ी टीवी में। जैसे मैंने बोला ना, आप ये मोबाइल लेके आप हर साल बदलोगे, एक बार लोगे और आप भूल जाओगे। और ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना, जो आदमी ऐसा मानता है, मतलब ये आज भी लोगों के माइंड में है कि ये बार बार चीजें बदली नहीं जाती है। तो क्या होगा, आज तो आप 32 इंची ले लोगे, मगर डाउन द लाइन रूम के लिए फिर आपको छोटी लगने लगेगी। एवरेज बेड भी होता है वो 5-5.5 फीट का होता है, और उसके आगे मिनिमम 3 फीट का डिस्टेंस होता ही है बेड और टीवी में। तो प्लीज आप 8 फीट ऑलरेडी डिस्टेंस से देख रहे हो, तो आप कोई भी टीवी देख सकते हो। तो बिना टेंशन लिए जो आपको साइज अच्छी लगती है बड़े से बड़े खरीदिए। अगर आपको कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे या आपको कुछ डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो टीवी खरीदना चाहते हैं, एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।